हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 4 जो कि है अर्धनारीश्वर। इसमें कुछ ऐसा VVI ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि 2024 में श्योरली पूछेगा, और 200% की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, 200% की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, वो नहीं पूछा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। आप बस मैं जितना पढ़ाऊंगा आप बस उतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको याद करना पड़ेगा तो भी आपका एकदम 200% की गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ, नहीं आएगा नाम बदल लेना, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर चैप्टर को किसने लिखा है? तो भाई दिनकर जी ने। किसने? दिनकर जी ने। ओह, थोड़ा राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है। दिनकर जी ने लिखा है। किसने? दिनकर जी ने। क्वेश्चन पूछेगा अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो दिनकर जी की। तिनकी रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? भाई जो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध जो है, शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, मतलब किस प्रकार का रूप इसमें दिखाया गया है शंकर जी और पार्वती जी का, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई कल्पित रूप दिखाया गया। कैसा? कल्पित रूप, आधा नर और आधा, आधा नर और आधा मादा, मतलब आधा नर और आधा नारी का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। फ्रेंड आप याद कर लीजिएगा तो आपका हिंदी में 90% से कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अब मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना रट कर जाइए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर है किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं? तो भाई वो है भागलपुर विश्वविद्यालय के। वो भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या थे? उपकुलपति। क्या उपकुलपति थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो आप मार दीजिएगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये क्या हो रहा है? वो इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ये आ रहा है, ठीक है। नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही ढाली के दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? यह किस रचनाकार की पंक्ति है? तो भाई रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। पूछेगा नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली हुई प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो भाई रामधारी सिंह दिनकर बोले हैं ये। क्या? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। यहाँ पर तीन ही है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट है, अरे भाई नेक्स्ट नंबर हमारा PDF जो है, दूसरा नंबर PDF चलते हैं। यहाँ से कितना हमारा PDF है, ठीक है। दूसरा नंबर PDF पर चलते हैं। दूसरा नंबर PDF क्या है? चार नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चार नंबर, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? क्वेश्चन वही है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट किया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखो, कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? किस शीर्षक पाठ से लिया गया है भाई? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। कहाँ से? अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा इसको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पक्षभूषण का, कौन सा? पक्षभूषण का पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या इसी को घुमा फिरा कर पूछेगा, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ये दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। क्या भाई? एक ही है। अर्धनारीश्वर किन की रचना है, या अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो भाई हमने बताया रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इन चारों में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है? तो भाई अर्धनारीश्वर। कौन सी? अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी जो थे रामधारी सिंह दिनकर, उनका बिहार के किस जिले में जन्म हुआ था भाई, तो बेगूसराय में हुआ था। कौन सा? बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनके पिता का क्या नाम था भाई, तो रवि सिंह नाम था। क्या था? रवि सिंह नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। जो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है वो कौन सी है, तो परमभंग। क्या था? परमभंग। ये भी पूछ देगा कि परमभंग किनकी पहली काव्य पुस्तक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। मैं दोनों तरफ से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो भाई छात्र सहयोग। क्या मैं? छात्र सहोदर में। कौन इसमें? छात्र सहोदर में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। जो दिनकर जी की पहली कविता थी वो कब प्रकाशित, कब फेमस हुई, कब फेमस हुई, तो 1925 में। कब फेमस हुई? नहीं होता है कि आदमी फेमस हो जाता है, जैसे यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर वीडियो ग्रो करता है तो आदमी को लोग जानने लगता है, ठीक है। ऐसे तो मेरा वीडियो पर व्यू जाता नहीं है, तो आप अगर आप देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं आता है मेरे वीडियो पर, एक लाइक कर दीजिएगा बस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। निम्न में से जो रामधारी सिंह की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना रामधारी सिंह की है भाई, तो उर्वशी। उर्वशी है जो है वो रामधारी सिंह की रचना है, मतलब एक ही थोड़े लिखे हैं रचना, ठीक है। यहाँ से 13 हो गया। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है भाई, नेक्स्ट नंबर ये क्या है, नेक्स्ट नंबर ये है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। जो बुद्ध और महावीर थे वो नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, कौन सा पद दिया था भाई, तो भिक्षुणी होने का मतलब भीख मांगने का पद। बहुत अन्याय हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, यह कथन किसका है, तो प्रेमचंद का। किसने? किसका? प्रेमचंद का। प्रेमचंद ये बोले थे। कौन? प्रेमचंद बोले थे कि जब नारी भाई पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन नारी पुरुष का रूप लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ये ऐसा क्यों भाई, यही कहते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये प्रेमचंद कहते हैं। कौन कहते हैं? प्रेमचंद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसका किस विधा से संबंध है, किस विधा से संबंध है, एकांकी से। लगा लो 2024 लगा लो, 200% की गारंटी पक्का आएगा। नहीं आएगा, नाम बदल देना मेरा, नाम बदल देना यार, नाम बदल देना 2024 के लिए। इसको डिनोट कर लो, अपनी आंखों के सामने रख दो, एकदम टांग दो इसको, कि जब नजर पड़े इसको देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्ति बन गया और नारी को उसने काली मान लिया। कौन? पुरुष। कौन? पुरुष भाई, पुरुष ने। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्ति बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। नाली को कली, कली मतलब अपने, वो अपने को कहता है कि मैं सारा काम करूंगा, तुम घर में रहना, तुम्हारा तुम काली हो जाओगी, तुम्हें गोरा ही रहना है, तुम बाहर जाओगी काम करोगी काली हो जाओगी, ये हो जाओगी, तुम्हें कोई छू लेगा ये कर लेगा। अरे भाई, अपने खुले आसमान में जी रहा है, पूरी ज़िंदगी जी रहा है, और नारी को एक छोटी सी ज़िंदगी में कैद कर दिया, ये तो गलत है। किसने? पुरुष ने किया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, ये अगर पाठ आप देखिए जब किताब में तो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, और ये लाइन अधिकतर पूछता रहता है, ठीक है। तो ये लाइन अर्धनारीश्वर से लिया गया। कौन से? अर्धनारीश्वर से, कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार, ठीक है। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है,
कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो भाई जूठन, ये जूठन ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो कौन सी होगी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, परशुराम की प्रतीक्षा ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो दिनकर जो थे रामधारी सिंह दिनकर उनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है। अथवा ये भी पूछ रहा है कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, या इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी है। कौन, उर्वशी, उर्वशी कृति से उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, या पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी है ठीक है। यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिनकर जी को उर्वशी कृति से क्या कौन से पुरस्कार मिला था, तो भाई भारतीय ज्ञानपीठ, कौन, भारतीय ज्ञानपीठ ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, युद्ध और शांति की समस्या जो है ऊपर लिखी गई काव्य कृति कौन है, तो कुरुक्षेत्र, कौन, कुरुक्षेत्र लगा लो 2024 के लिए 200% की गारंटी, कितना 200% की गारंटी मैं दे रहा हूँ ठीक है। अगर आपको याद ना होगा तो आपका मर्जी ठीक है, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन ये है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसकी, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसकी है, तो भाई शिव और पार्वती की, किसकी, शिव और पार्वती का, किसका भाई, शिव और पार्वती का, और ये पूरा संसार पूरा विश्व जानता है ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंधारी जो थी वो कौन थी भाई, गंधारी दुर्योधन की माँ थी, गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी, कौन, दुर्योधन की माँ ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र कौन थे, प्रेमचंद्र कथाकार थे, कौन, कथाकार, प्रेमचंद्र कौन थे, कथाकार थे ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है दिनकर का जन्म कब हुआ था, दिनकर जी का जो रामधारी सिंह दिनकर है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई 23 सितंबर 1908 को हुआ था, कब, 23 सितंबर 1908 को हुआ था ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि हैं, जो दिनकर थे रामधारी सिंह दिनकर वो किस युग के कवि थे, तो वो छायावादोत्तर युग के, छायावाद युग के, कौन, छायावाद युग के, छायावादोत्तर ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, जो कृति यह है संस्कृति के 4 अध्याय यह किसकी कृति है, तो भाई रामधारी सिंह दिनकर की, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, और ये लगता है हमारे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, जो इन चारों में से कृति है उनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह की लिखी हुई है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है भाई, तो चारों में से कौन हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज इन्होंने, शुद्ध कविता के खोज भी लिखे थे ठीक है। तो यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया ठीक है, तो जाते जाते आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे तो व्यू जाता नहीं है अच्छा खासा कि लाइक हमें मिले, तो अगर आप देख रहे हो लास्ट तक देखो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, एंड मैंने कुछ वीडियो पिछला चैप्टर का वीडियो मैंने डाला है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया है वहाँ भी बताया है कौन सा ऑब्जेक्टिव 2024 में 200% की गारंटी के साथ पूछेगा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।